समाजवादी पार्टी के बेतिहाता स्थित कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नवीन कुमार सक्सेना ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार ने विश्व के मानक पर उत्तर प्रदेश को खड़ा किया। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार सिर्फ दूसरे के किए गए कार्यों को अपना कार्य बताने पर 4.5 साल बिता दिए। आज प्रदेश की जनता अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए तत्पर है, क्योंकि जनता ने समाजवादी सरकार के विकास के काम को देखा और सराहा भी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव नवीन कुमार सक्सेना ने कहा, समाजवादी पार्टी के साथ है, आज अपने जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा के साथ है और कंधे से कंधा मिलाकर गवाह बनेगा और आप देखेंगे। समाजवादी पार्टी की पूरी तैयारी अखिलेश यादव जी को 2022 में मुख्यमंत्री बनाना है। सत्तारूढ़ पार्टी ने आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया, जो भी कार्य हुए हैं वो सिर्फ मेरी सरकार में शुरू हुए थे, वही पूरे हो रहे हैं। और बीजेपी ने सिर्फ आपस में वैमनस्यता पैदा की, सांप्रदायिक सौंदर्य बिगाड़ा, अमन चैन को ख़त्म किया और हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई बना के दो भागों में बांटने का काम कर रही है। और माननीय अखिलेश यादव नौजवानों, किसानों, गांव, गरीबों के नेता हैं। उनके अगर पिछले कार को देखा जाए अखिलेश यादव जी के, तो ये जो सत्तारूढ़ पार्टी है इसका कोई कार नगर महसूस होता है, कोई कार नहीं किया। मैं अभी गोरखपुर होके निकला हूँ, रोडें इतनी ख़राब हैं, गंदा, इतना गंदा गोरखपुर मुझे कल्पना भी नहीं थी कि इस तरीके का गंदा गंदगी होगी। ये सरकार किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, गांव गली सबकी विरोधी है। ये सरकार विज्ञापनों पर चल रही है, पूरे प्रदेश में नौजवान परेशान है, बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो गई है और विज्ञापनों का बोलबाला है। इतने विज्ञापन, इतनी होर्डिंगें, रोज़ नई नई सरकार अपने कुछ स्लोगन लिख करके डेली उत्तर प्रदेश और देश में लगा रही है और टीवी चैनलों, अखबारों के माध्यम से हम लोगों की, गरीबों की कमाई भाजपा गवर्नमेंट पानी के तरीके से भारी पैसा को, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है और 2022 में माननीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। कितनी सीटें? 350। तो भाजपा भी तो कह रही है कि 350, भाजपा कहीं है नहीं, भाजपा कहीं नहीं है। प्रदेश सरकार नाइट कर्फ्यू लगा, क्या लगता है कोरोना है कि नहीं है? जो कोरोना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो है ही, और कोरोना खत्म तो हुआ नहीं, पहले से चलता रहा। ऐसी स्थिति खराब नहीं है कि एकदम डिसीजन बना लें और कोई नया डिसीजन लें। क्या आप लोग को डर लगता है? किस बात से? कोरोना से नहीं, हमें कॉटन लगी, मास्क नहीं पहने, तो मास्क नहीं पहना, जानवर नहीं पहना, आपसे बात करना, अगल बगल सब लोग नहीं पहने, तो पहनना बता दो आप, आपके कोई बात थोड़ा है। तो क्या लगता है चुनाव का इस तरह का जो नाइट कर्फ्यू लग रहा है, क्या लग रहा है आपको? नाइट कर्फ्यू वो धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे चुनाव टल जाए और गवर्नर शासन लागू हो जाए और फिर वो ये दिखाएं कि हमारे पास ब्राह्मण भी मुख्यमंत्री बनने के लिए है अब, और साकी भी है, और हमारे पास जो है ठाकुर भी है, और भी जातियों के लोग भी हैं, जैसा सब जातियों फिर वोट ले लें और बाद में जो चांस बना दें।